वेलकम टू R2X2। तो आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊँ कि आपके फ़ोन में आप लाइट OS कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कलर OS का मॉडिफाइड वर्जन है, जो बहुत लाइट है। जो हमारी कंप्लेंट रहती है ना कि जी बहुत कलर्स कितना हैवी है और कितना रैम कंज्यूम करता है, तो आज मैंने इसको अपने इस OS में फिक्स करने की पूरी कोशिश की है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा लाइट OS बूट हो चुका है। इसमें ऐप ड्रॉअर है और आप देख रहे हैं इसमें मैंने स्वैप जो रहता है, जो वर्चुअल रैम रहती है, उसको मैंने डिसेबल कर दिया है, क्योंकि आई थिंक वी हैव मोर देन सफिशियंट रैम। जो 4 GB बहुत काफ़ी रहती है, और कोई गेमिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई गेमिंग परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, बहुत अच्छी स्मूथ हो जाएगी इस OS के साथ, तो आप वो भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफाई किया मैं आपको बता दे रहा हूँ। डीओडेक्स लिक्विड UI डाली है, INT मॉडिफिकेशन किया, टच ड्राइवर मोड किया है, ZipLine किया है, बैटरी एंड इशू को फिक्स किया है कुछ कोड के थ्रू, और GPU और CPU को भी थोड़ा सा ड्राइवर रिफाइन किया है ताकि ये अच्छा चले कलर आउट में। तो सिंपल लैंग्वेज हमने इसको थोड़ा अच्छा किया है इसको, है ना, तो जिससे ये बहुत अच्छा चलेगा आपके Realme 2 Pro फ़ोन पे, ठीक है। तो आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपका फ़ोन रूटेड रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं हो और उसमें रिकवरी ना हो मेरी R2X2 रिकवरी, तो आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, तो वहाँ से आप पहले अपना फ़ोन रूट कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस रोम को आपको इंस्टॉल कैसे करना है, तो वीडियो पूरी देखना। इसमें मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जो आपको देखना है और सुनना भी है, ठीक है। तो पहले आप इतने सारे जो 2-3 हज़ार के लाइन कोड रहते हैं, तो आपको समझना है रोम बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप ऐसा कीजिए, खाली सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप क्लिक कर दीजिए, तो और जो जिप वगैरह है वो आपको ऑलरेडी मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी, जो लाइट OS की जिप है, ठीक है। तो मैं आपको अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए कैसे की जाती है। तो अपना फ़ोन सबसे पहले आप स्विच ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस रोम को आपको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपका फ़ोन बूटलोड में हो, तो या आप स्टॉक रोम जैसा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम डाउन और पावर की दोनों को होल्ड करना है, ठीक है, दबा कर रख देना है दोनों को, तो जिससे आपका फ़ोन फास्ट बूट में चला जाएगा। तो अब आपको सेलेक्ट करना है रिकवरी मोड को, कैसे करेंगे, वॉल्यूम डाउन की से सेलेक्ट करना है क्लिक, तो जो रिकवरी मोड लिखा गया है, तो इस पर आपको पावर बटन से इसको सेलेक्ट कर देना, तो जिससे ये रिकवरी मोड में अपना फ़ोन चला जाएगा। अब जो बूट हो रहा है अपना रिकवरी मोड में, तो सबसे पहले वो अपन को क्या करना है, अपने फ़ोन का बैकअप ले लेना। अगर कुछ भी होता है, मिस्टेक आप करते हो, तो बैकअप आप ज़रूर लेना, ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो हमको बैकअप में क्या क्या लेना है, बूट डेटा सिस्टम और बैंडर, ठीक है, और EFC को भी आप ले लेना, उसमें आई आई और वगैरह कंटेंट रहती है अगर आपको लेना है तो, ठीक है। तो साइड से आप बैकअप पूरा ले लीजिएगा अपने फ़ोन का। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना फ़ोन वाइप करेंगे, यानी अब रोम इंस्टॉल कैसे करना है, तो जो उसके लिए है, ठीक है। तो एडवांस वाइप में जाना है, वहाँ से आपको डाल्विक आर्ट केस डेटा और सिस्टम और बैंडर, इन सारी चीज़ों को फॉर्मेट कर देने की रोम होती है अपनी पूरी कंप्लीट, तो ये सारी चीज़ें हमको वापस उस रोम से मिल जाएंगी लाइट OS से। तो इसको आपको फॉर्मेट कर देना है सिंपली, जैसा बता रहा हूँ वैसा आपको करना है। आपकी फ़ोन आपकी रोम डेफिनेटली बूट होगी, ठीक है, डिक्रिप्टेड है रोम, कोई डिक्रिप्शन जेब आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल करना है, अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है क्या, लाइट OS 5.2, ठीक है। तो जो वर्ज़न 1 है, अब इस पर और भी काम चलेगा, तो और भी मैं इसको अपडेट दूंगा इसके आगे, तो स्वाइप करके इसको कंफर्म कर देना है। जब आपको बोलेगा सब्सक्राइब, तो जब आपसे थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब मंगेगा, तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। तो नहीं किया, नहीं करोगे तो पता नहीं फिर क्या बूट वगैरह ना हो, फिर वो आपकी दिक्कत, फिर ना क्लिक होना रिबूट सिस्टम, ठीक है। अब रिबूट सिस्टम आपको क्लिक कर देना, तो जो आपका फ़ोन रोम में रिबूट होगा, ठीक है। तो रिबूट हो रहा है अपने कस्टम बूट एनिमेशन साथ जो गूगल देता है हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो एक सेटअप मोड पे आएगा, जैसे हमारा जो फ्रेश इंस्टॉल पे आता है, तो जो बताएगा कि इंग्लिश मतलब लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो आप कर लेना नेक्स्ट। और अगर आपका स्किप नहीं होता है यहाँ पे, तो एक बाईपास की जिप दे दी है, स्किप बाईपास की जिप जब भी इंस्टॉल करना है जब आपका स्किप ना हो रहा हो, ठीक है। मतलब जब आपका सेटअप अगर आगे नहीं बढ़ रहा, तब बाईपास की जिप आप फ्लैश कर देना, तो आपका ये सेटअप कंटिन्यू हो जाएगा, जो लिंक में दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको पूरा एक्सेप्ट कर लेना है,
अनटिक कर देना, नहीं हमको डाटा नहीं भेजना है गूगल को, ठीक है, एक्सेप्ट, स्किप, स्किप, वाईफाई स्किप कर देना पूरा, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट को भी बंद कर देना, उसको मैंने हटा दिया है, गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई, तो उसको सेपरेट करने का मेरा ये रीज़न था क्योंकि जो कलर वो ऐसा है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं, तो उससे क्या दिक्कत है, मतलब वो हमको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को, कई चीज़ें क्रैश हो रही है, इसलिए मैंने उस जिप को ही अलग कर दी, जिसमें कुछ थोड़े बहुत अलग से और मॉडिफिकेशन है, मतलब थीमिंग के लिए और थोड़े बहुत सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। बाकी उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं, तो उसको जब ही इंस्टॉल करना अगर आप बिना लॉक के रह सकते हो, ठीक है, बिना लॉक के अगर रह सकते हो तभी आप QoSP मोड को इंस्टॉल करना, नहीं तो आपको इंस्टॉल करने की उसको ज़रूरत नहीं है। वैसे वो रिकमेंड नहीं करूँगा मैं आपको, ठीक है, और आप अगर रह सकते हो बिना लॉक के तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमको QoSP मोड इंस्टॉल करना है, जब भी इंस्टॉल करना है आपका फ़ोन बूट हो जाए, जैसा अभी मतलब अपना कंप्लीट कर लिया ना सेटअप, उसके बाद तभी इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप QoSP मोड अपन पूरा इंस्टॉल करेंगे, अब सिंपली क्लिक होना रिबूट सिस्टम पे, आपको अपने फ़ोन को सिस्टम में बूट कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमारा फ़ोन बूट होगा, तो इसमें QoSP मोड में क्या क्या खास है, एक तो जो आपका रूट नोटिफिकेशन जो होता है ना वो बहुत मिनिमाइज़ कर दिया, मतलब वो लिख के नहीं आएगा रेट जो आता है, ठीक है। और नई सिस्टम UI है, मतलब अच्छा ब्लू है, और इसमें आपको पिक्सल का लॉन्चर मिल जाएगा, और ये लॉक स्क्रीन का इशू भी आपको जो दिख रहा है तो मैं इसको बता दूँ कैसे फिक्स किया जाता है लॉक स्क्रीन का इशू इसी रोम में, मतलब तो इसको भी इंस्टॉल कर फिक्स करना वो सिंपल है। तो आपको करना क्या, फ़ोन स्टोर में जाना है और तीन फाइल मिलेगी आपको वहाँ पर, तो उनमें से एक थीम स्टोर आपको इंस्टॉल कर देना, ये मिल जाएगी, मतलब जब आप रोम इंस्टॉल करोगे ना तो ये तीनों फाइल APK आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे फ़ोन स्टोरेज में, ठीक है। तो वहाँ से सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना आपको, डन करके फिर क्या करना है, इस चीज़ को इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, ठीक है, ओके पे क्लिक कर देना और परमिशन अलाउ कर देना, मी पे जाना है, जैसा मैं देख रहा हूँ वीडियो में वैसे आपको क्लिक कर देना, माई थीम्स पे क्लिक करना है, फिर वहाँ से आपको ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट थीम रहती है बस उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अप्लाई जब इसको कर देंगे तो इसका जो लॉक स्क्रीन का जो इशू रहता है तो वो फिक्स हो जाएगा, देखना भी तो जब भी दिखा रहा है ऐसा, लेकिन हाँ वो फिक्स हो जाएगा, परमानेंट फिक्स हो जाएगा, मतलब उसके बाद कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स हो गया और ये हमारा लाइट OS रेडी टू यूज़ है ना, अब जो हम यूज़ करने के लिए बहुत रेडी है। अब आपको 3 ऐप्स इंस्टॉल करना है, आप देख रहे हैं कि इस लाइट OS में कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो उसके मैंने अल्टरनेटिव दे दिए यहाँ पर, थर्ड पार्टी लॉन्चर, तो कैलेंडर कुछ भी मिसिंग तो आप गूगल प्ले से कर लेना, गैलरी के लिए क्विक पिक यूज़ करना बहुत फास्टर, इमेज ये व्यू करता है, मतलब अच्छी इसकी प्रोसेसिंग है, और रूट के लिए माजिस मैनेजर आपको इंस्टॉल कर लेना, जिससे आपको रूट हो जाएगा, बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है, बस ये सिंपली 3 एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर देनी है, ठीक है। एक अपडेट लाइट को भी आपको इंस्टॉल कर देना है, इस पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे लाइट OS के, ठीक है, और मेरी जितनी सोशल लेंगे तो उसको आप फॉलो कर देना, ठीक है। अब हमारा सब कुछ आई थिंक वी आर रेडी टू यूज़ है ना, तो हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन लेकिन आपको एक और बात सुननी है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूँ और इसको बहुत USP जैसा इसको लुक दूँ, मतलब जैसा स्टॉक 100 का रहता है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है 1K तक। तो मैं आपकी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ इसको मतलब ऐसा इतना मतलब ऐसा लुक दे पाऊँ, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सब चीज़ें करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है।